जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत के लिए जापानी डेलीगेशन मौजूद रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय प्रवासी भी मौजूद रहे। भारतीय प्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। हिरोशिमा में शेरेटन होटल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए। मालूम हो कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद हिरोशिमा पहुंचे हैं। हिरोशिमा में मोदी की मौजूदगी अहम है। समिट में शामिल होने के बाद वो G7 नेताओं के साथ पीस मेमोरियल पार्क भी जाएंगे। ये पार्क न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों की याद में बनाया गया है। 21 मई तक चलने वाली इस G7 समिट की बैठक में क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के साथ साथ चीन और रूस पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका यूक्रेन जंग के चलते रूस पर 300 पाबंदियां लगाने की योजना बना रहा है। वहीं बैठक शुरू होने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस के हीरो पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66 साल बाद हिरोशिमा पहुंचे हैं। इनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।